बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसको खोलने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। इसको आपने खोल लेना, मैंने सिर्फ यहाँ से उठा लिया और अंदर से जो है बेसिक नॉलेज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी ये जो है ये रैम है, ये डिफरेंट स्लॉट्स हैं। इस सिस्टम के अंदर चार रैमें लग सकती हैं, दो यहाँ पर और दो ये लगी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली है। उसके बाद ये वाला जो है सारा मदरबोर्ड है और यहाँ पर ये सारा जो हम कहते हैं जैसे प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ये चीज़ मॉडेम मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई हैं। ये फ्रंट वाला फ़ैन है सारा, ये यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, ये सारा फ़ैन है, ये भी फ़ैन है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ये DVD ड्राइव है और उसके बाद ये जो है करंट वाली सप्लाई है सारी ये वाली, और यहाँ पर बैक पे इसका फ़ैन है जी, यहाँ से इसको करंट आता है और पीछे इसकी पोर्ट्स हैं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हार्ड डिस्क कहाँ पर है, तो हार्ड डिस्क DVD के नीचे है, बिल्कुल यहाँ यहाँ पर ये जो वायर जा रही है ये हार्ड डिस्क, ये DVD के अंदर लग रही, इसके नीचे जो है वो हार्ड डिस्क है। अगली वीडियो में मैं इसको खोलने वाला हूँ DVD को, तो उसके अंदर हम लोग जो है ये देखेंगे कि हार्ड डिस्क कैसे लगाई जाती है और कैसे नहीं।